अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ज़ुबैर टेक। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की टिप शेयर करूंगा इनशूट ऐप के हवाले से कि आप इनशूट ऐप में अपनी वीडियो में मीम यानी फ़नी क्लिप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है। तो इसके लिए सिंपली आपने इनशूट ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास इनशूट ऐप डाउनलोड नहीं है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने ये वीडियो वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहां से न्यू वीडियो यानी यहां से आप कोई भी न्यू वीडियो को सिलेक्ट करें। तो यहाँ से मैं कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने वीडियो सिलेक्ट कर ली है। तो अब मेन है कि आपने इसमें मीम कैसे ऐड करना है। तो ये मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें ये है कि आपने दरमियान में यानी मिड में मीम कैसे ऐड करना है। तो यहाँ से आपने सिंपली इसको स्टॉप करके इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, ये ऊपर वाइट लाइन शो हो रही है। तो सिंपली आपने इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो आप जैसे ही करेंगे तो ये देखें, यहाँ स्प्लिट की ऑप्शन आ रही है। तो जैसे ही आप स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से दरमियान से ये कट हो जाएगी। तो अब आपने इसमें मीम कैसे ऐड करना है, तो सिंपली आपने यहाँ प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ मीम ऑलरेडी डाउनलोड किए होंगे। अगर आपने डाउनलोड करने हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर तरीका देख सकते हैं कि कैसे फ़नी क्लिप और मीम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मैं मीम को ऐड करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये बीच में ऐड हो गया। तो यहाँ से आपने इसकी वॉइस को अगर इंक्रीज़ करना है तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आगे जैसे ही करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम, तो सिंपली आपने वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 100 है तो ये देखिए 200 हो जाएगा। तो जैसे ही 200 होगा ये वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके ऊपर बाद में ओके कर देते हैं। तो यहाँ से मैं आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे हम ये वीडियो चल पड़ी है तो ये देखें ये बीच में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो अगर आपने इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ करनी है तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऊपर देखें ये स्पीड की ऑप्शन आ रही है। आपने स्पीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, अगर आप लेफ़्ट पे जाएंगे तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जितनी भी आपने स्पीड इसकी रखनी है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा मीम ऐड करने हैं तो इसके लिए आपने फिर इसके ऊपर अगर आप यहाँ सपोज डेट आप अगर इधर मीम ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से फिर इसको स्प्लिट करके इसको हाफ कर लेना है यानी कट कर लेना। तो सिंपली आपने प्लस वाले आइकन पे जाना है, फिर वीडियो पे जाना है और यहाँ से कोई भी मीम आप सिलेक्ट कर लें। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये इजीली बीच में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसका फ़िल्टर वगैरह चेंज करना चाहते हैं इस मीम का तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और ये देखें ये ऊपर फ़िल्टर की ऑप्शन आ रही हैं। तो फ़िल्टर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ ये दरमियान में है फ़िल्टर। तो यहाँ से आप कोई भी इसका फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं, लाइक नेचुरल, वार्म, ड्यू, पिंक, आप कोई भी कर सकते हैं, ये डार्क, तो कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके ऊपर एनिमेशन डालनी है यानी अगर आप इसके ऊपर एनिमेशन डालना चाहते हैं तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ से आप किसी भी टाइप की एनिमेशन डाल सकते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें ज़रा ये एनिमेशन चल रही है, आप कोई भी अपने मुताबिक एनिमेशन डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।